देश में शुक्रवार बड़ा ही भयावह दिन देखा गया। शुक्रवार की शाम उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे में 233 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत होने की सूचना मिली है, जबकि हजारों यात्री अब तक घायल हैं, जिनका इलाज लगातार किया जा रहा है। ट्रेन हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। एक इंजन तो मालगाड़ी के रैक पर ही चढ़ गया। टक्कर में खिड़कियों के कांच टूट गए और करीब 50 लोग बाहर जाके गिरे। हालात ऐसी हुए कि अभी भी रेस्क्यू लगातार जारी है। वहीं इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। फिलहाल प्रधानमंत्री घटनास्थल पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी के सारे कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए, कई ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। वहीं इस घटना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैभव घटनास्थल पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये दुखद घटना है और बचाव कार्य जारी है। रेलवे की टीम खड़गपुर भुवनेश्वर के साथ साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ और स्थानीय टीम मौके पर तुरंत रवाना हो गई थी। घायल और मृतकों को अस्पताल ले जाया गया है। हमने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है जिससे दुर्घटना का कारण पता चल सके। अब सवाल यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैभव जो देश में वंदे मातरम बुलेट जैसी ट्रेनों को लाना चाहते हैं, लेकिन जो सुविधाएं जो व्यवस्थाएं हमारे पास पहले से है, पहले आप उन्हें मजबूत करें, उसके बाद बड़ी बड़ी सपने लोगों को दिखाना शुरू करें। अगर किसी भी ट्रेन में जितनी लिमिट सीट होती है उतना ही टिकट काटे, वेटिंग नहीं होगा, लोग ज़्यादा भारी मात्रा में नहीं होंगे, इस तरह से हादसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं मारे जाएंगे। लेकिन नहीं, हमारे रेल मंत्री जो पुराने चीज़ें हैं वो वहाँ के वहाँ हैं, सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है। अभी भी ट्रेन में वो धक्का मुक्की, वो भीड़ भाड़, हजारों 500-200 वेटिंग की संख्या बढ़ती जाती है। स्टेशन पर भी सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं, लेकिन लोगों को सपने बड़े बड़े दिखाए जा रहे हैं। आज इतने बड़े रेल हादसे में सैकड़ों लोगों जो मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल सबसे बड़ा अहम सवाल है। रेल मंत्री, रेल व्यवस्था, या फिर वो यात्री खुद जो टिकट लेके रेल में सफर कर रहे हैं? इसका जवाब आप खुद हमारे कॉमेंट बॉक्स में दें। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है, टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है, ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था, एक हाई लेवल कमिटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे, किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। सर, क्या कोई इंडिकेशन लगता है? अभी 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 सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए,
और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। देखो ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना, किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए हैं पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। तुरंत रेस्टोरेशन